हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियां आ गई हैं और मार्केट में मूंगफली, गज्जक, पट्टी, इन सब चीजों की भरमार लग जाती है। इतनी वैरायटी है मार्केट में। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ तिल और गुड़ की पट्टी बनाने की रेसिपी। ये दोनों ही चीजें, तिल और गुड़, दोनों ही विंटर्स में हमारे लिए बहुत ही हेल्दी फूड्स रहते हैं। ये चीजें हमें विंटर्स में ठंड से तो बचाती ही हैं, साथ में एनर्जी भी देती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट से गज्जक या पट्टी लेकर आए और वह इतनी हार्ड कि वो दांतों से टूट ही नहीं रही? इनफैक्ट मजाक में तो हम कई बार कह भी देते हैं ऐसी पट्टी के लिए कि इसे तो हथौड़ी से तोड़कर खाना पड़ेगा। कभी वह इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी ज्यादा नरम कि ऐसा लगता है कि जैसे मॉइस्चर से सिल गई है। आप घर पर ही बहुत ही हाइजेनिक तरीके से ये गुड़ तिल की पट्टी बनाएंगे तो आप चाहेंगे उसमें परफेक्ट क्रंच, ना ही वो इतनी हार्ड हो कि दांतों के नीचे काटनी मुश्किल हो जाए और ना ही इतनी सॉफ्ट हो कि ऐसे लगे कि मुंह में रुई रखी हुई है। उस परफेक्ट क्रंच के लिए सबसे जरूरी है गुड़ को सही स्टेज तक पकाना। वीडियो में बताए गए टिप्स के हिसाब से इस रेसिपी को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी गुड़ तिल की पट्टी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत रहेगी। यहां मेरे पास से 3/4 कप सफेद तिल, वजन में देखूं तो यह 100 ग्राम है, और गुड़ मैंने लिया है यह भी 3/4 कप, ये वजन में 120 ग्राम है। 2 छोटे चम्मच देसी घी, इस रेसिपी में ज्यादा घी की जरूरत नहीं क्योंकि तिल में भी काफी अपना ऑयल होता है। थोड़े से बादाम मैंने कूट लिए हैं, थोड़ा पाउडर बना लिया है, थोड़े से कोर्स पीसेस हैं। 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, यह और बादाम दोनों चीजें ही ऑप्शनल हैं। साथ में थोड़ा सा पानी, लगभग 1 बड़े चम्मच के बराबर। सबसे पहले मैं तिल को रोस्ट कर लूंगी, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर नॉनस्टिक पैन मीडियम हीट पर रख रही हूँ। पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी सफेद तिल, और उस टाइम पर मैं हीट को कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में। तिल को कभी भी आप हाई हीट पर रोस्ट ना करें, नहीं तो वह जल जाते हैं, बहुत ही जल्दी जल जाते हैं और फिर उनमें बर्नट टेस्ट आने लगता है। मैं बराबर चलाते हुए तिल को भून लूंगी, ये मैं क्लोजअप में दिखा रही हूं। तो जैसे हम तिल भूनेंगे तो इनका कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाता है। हमें इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, और भुनने के बाद ये थोड़े से फूल भी जाते हैं, अच्छी सी स्मेल भी आने लगती है। तो ये देखिए 3 मिनट से कम टाइम में ही हमारे तिल भुन गए हैं। बस इसको भूनते टाइम एक और ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी चटक जाता है कोई दाना, तो अपने को बचाकर आप इसे भूनें। तो अब ये तिल भूनने पर मैं इसको एक बड़ी प्लेट में फैला रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे भी हो जाएं। गर्म पैन में भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वह और थोड़ा सा और ज़्यादा भुन जाएंगे, ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो ये अब तिल जब ठंडे हो जाएंगे तो इनमें से आधे तिल को मैं मोटा मोटा कूट लूंगी और आधे को मैं ऐसे साबुत ही इस्तेमाल करूंगी, होल तिल। उसके बाद ही मैं गुड़ को मेल्ट करना शुरू करूंगी। मैंने आधे तिल को कूट लिया है तो अब मैं गुड़ को मेल्ट करने के लिए यहाँ पर एक पैन चढ़ाया है मीडियम हीट पर मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पानी, और इसमें ट्रांसफर कर दूंगी अपना गुड़। गुड़ को मैंने चाकू से छोटा छोटा काट लिया था, और इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच देसी घी। बाकी का घी मैंने अभी सेव कर लिया है। अब हमें इस गुड़ को कुक करना है। अब हम चाहें तो हम बिना पानी के भी गुड़ को सीधा मेल्ट करके कुक कर सकते हैं, पर थोड़ा सा पानी डालने से हमारा इस सिरप के ऊपर ज़्यादा बेटर कंट्रोल आता है। तो आप थोड़ा सा पानी डालकर ही कुक करें, और हमें इसे अब कुक करना है सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी तक। तो वो जब उस स्टेज पर आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको बराबर चलाते हुए पहले तो मेल्ट कर लूंगी। अभी मैं मीडियम हीट पर ही इसको मेल्ट कर रही हूँ, और लगभग 3 मिनट हुए हैं और गुड़ काफी कुछ मेल्ट हो गया, बस थोड़े से लम्स रह गए हैं। तो अगर आप अभी ध्यान दें तो अब ये बबल करना शुरू हो चुका है, ऊपर बुलबुले उठ रहे हैं। अब अगर हमने इसे मीडियम हीट पर या हीट बढ़ाने की कोशिश करी जल्दी के चक्कर में, तो ऊपर के बबल्स के नीचे का गुड़ हमें दिख नहीं रहा और नीचे का गुड़ जल जाएगा हाई हीट में। तो बेस्ट रहता है, सेफेस्ट, कि आप लो और मीडियम के बीच में हीट कर दें। इससे टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है, पर यह इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, गुड़ को बिल्कुल सही स्टेज तक पकाना, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि हमारी पट्टी की फील कैसे रहेगी, वो क्रंची रहेगी या सॉफ्ट रहेगी या च्यूई रहेगी।
14 मिनट हुए हैं और अब लग रहा है कि गुड़ हो गया है। मैं थोड़ा सा गुड़ एक चम्मच पर ले रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको सारा टपकने दूंगी। और अब मैं स्पून पर देखूं तो गुड़ एक कोटिंग बना रहा है, अब वो नीचे नहीं गिर रहा, तो एक ये इंडिकेशन है कि ये गुड़ रेडी है। दूसरा तरीका है कि हम इसको थोड़े से पानी में डालकर देखें। मैंने इसमें 3-4 बूंदें डाल दी हैं, आप एक बूंद भी डालकर देखें तो वो बूंद वहीं पर इकट्ठी हो जाती है। और अगर इसमें इसको पानी से उठाती तो ये बूंद बहुत ही एक सॉफ्ट सी बॉल बना देती, तो वह सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी होती है, हम उसे दो तार की चाशनी भी कह सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ले रही हूँ इसमें चाशनी और ज़रा सा ठंडा होने पर मैं इसको अपनी फर्स्ट फिंगर में लेकर थंब के साथ चिपकाऊंगी और हल्के से स्प्रेड करूंगी। यहाँ मैंने इस शॉट को रोक दिया है ताकि आप टू थ्रेड्स ध्यान से देख सकें, दो तारे बन रही हैं सिरप की। हीट को लो और मीडियम पर करने के बाद मैंने गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाया है, बीच बीच में चलाती रही हूँ और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक भी करती रही हूँ कि कितना पका है गुड़। मैंने तीन तरीके बताए, उसमें से कम दो दो तरीके तो करते ही रहें हर स्टेज पर। गुड़ को हमने कम से कम इस स्टेज तक पकाना है बाकी चीज़ें डालने से पहले, और उसके बाद भी थोड़ी सी और कुकिंग होगी। बहुत ही ज़्यादा कम पकाया तो पट्टी अपनी शेप भी नहीं होल्ड करेगी, अगर थोड़ा सा कम पकाया तो पट्टी च्यूई बन सकती है, दांतों पर भी चिपकेगी। अगर इस टाइम पर ही पूरा पका लिया गुड़ को तो बाकी चीज़ें मिलाते तक वो बहुत हार्ड हो जाएगा और उसे स्प्रेड करना भी मुश्किल हो जाएगा। और एक बार हमारी सही कंसिस्टेंसी आ गई तो फिर आगे का प्रोसेस चुस्ती से करते रहना है, नहीं तो गुड़ ज़रूरत से ज़्यादा पक जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसको बराबर चेक करते रहें ताकि सही कंसिस्टेंसी आ जाए। अब इसमें मैं एक ही करके बाकी सामान डाल दूंगी। तो सबसे पहले तो इलायची पाउडर, उसे मिक्स करूंगी। उसके बाद जो हमने कोर्सली कूटा था, मोटा मोटा कूटा था तिल को, वह डालकर मिक्स करूंगी। मैं एक एक करके चीज़ें डाल रही हूँ ताकि सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो। तो इसमें डाल दूंगी बादाम कुटे हुए। मैंने अभी गैस बंद नहीं करी है, अभी एक एक करके चीज़ों को डालते रहेंगे, मिलाते रहेंगे जब तक कि सही कंसिस्टेंसी ना आए। तो इसमें मैं डाल दूंगी साबुत तिल, जो आधे तिल बच गए थे इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और अभी इसे मुझे कुक करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट और लगेंगे। और मुझे ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, बहने वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी चाहिए, जिससे कि स्प्रेड किया जा सके और जो कि अपनी जगह पर शेप ले ले। तो यहाँ मैंने एक पार्चमेंट पेपर बिछा कर रखा है फ्लैट सरफेस पे, इसके ऊपर मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये देखिए क्या कंसिस्टेंसी है इसकी, आप देख सकते हैं। तो इसे स्पैचुला से प्रेस करूँगी ताकि ये आराम से स्प्रेड हो जाए। तो आप अगर पार्चमेंट पेपर नहीं चाहते तो आप कोई स्टील की प्लेट ले सकते हैं, उसके ऊपर घी तेल लगाकर ग्रीस करके तब उस पर ये स्प्रेड कर दें। और इसके ऊपर मैं एक और पार्चमेंट पेपर रख रही हूँ और इसे मैं बेलन से अब ऐसे फैला दूंगी। तो अगर आप ऊपर वाला पार्चमेंट पेपर नहीं रखना चाहते तो आप बेलन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। आप बटर पेपर या वैक्स पेपर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रेड करने से बहुत ही इवनली स्प्रेड होता है, बिल्कुल एक सार। यहाँ मैं पार्चमेंट पेपर हटा कर दिखाती हूँ, थोड़ा ध्यान से हटाना है पेपर। और ये देखिए कितना बढ़िया स्प्रेड हुआ है, और थिकनेस देखिए ना ज़्यादा मोटा रखा है ना ही बहुत पतला। और अभी जब ये वार्म ही है, हल्का गर्म है, तो मैं इस पर कट्स के निशान लगा दूंगी। तो हमने जहाँ पीसेस कट करने हैं, इसको काटने के लिए मैंने नाइफ को पहले से ही देसी घी से ग्रीस कर लिया था। मैंने स्क्वेयर शेप्स में काटा है, आप अपनी पसंद की कोई भी शेप ले सकते हैं। तो इसे अभी कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही किचन शेल्फ पर छोड़ दूंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। आधा घंटा हुआ है और अब हमारी चिक्की बिल्कुल तैयार है, तिल गुड़ की पट्टी, और देखिए आराम से स्क्वेयर्स सेपरेट हो रहे हैं। तो चलिए एंजॉय करिए, तिल गुड़ की पट्टी बहुत ही हाइजेनिक तरीके से घर में बनी हुई और बिल्कुल परफेक्ट क्रंच के साथ, और इस वेदर के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। ठंड में इसका अलग ही मजा है, गुड़ और तिल दोनों आपको रखेंगे हेल्दी और बचाकर रखेंगे ठंड से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें और पूनम्स किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।